हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं धीरेंद्र डबास और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल धीरेंद्र डबास द ट्रैवल देसी। तो दोस्तों, पिछली सीरीज थी कन्याकुमारी की, आशा करता हूं वो आपको पसंद आई होगी। तो अब हम अपनी पुरानी सीरीज यानी कि थाईलैंड सीरीज को ही कंटिन्यू कर रहे हैं और आज मैं आ पहुंचा हूं कराबी में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कराबी में घूमने लायक कौन कौन सी जगह है। तो ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, कराबी में आप सबसे पहले आते ही देखेंगे बीच, जो कि यहाँ बहुत सारे हैं और बेहद खूबसूरत। तो सबसे पहले आप जो है बीच देखेंगे अवनांग बीच, जो कि है कराबी का सबसे फेमस बीच। तो दोस्तों, यहाँ पर मार्केट, पब, डिस्को और इंडियन रेस्टोरेंट्स बहुत सारे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले एक आपको एक बात बता दूँ, कराबी प्योरली एक फैमिली डेस्टिनेशन है इंडियंस के लिए। तो आप जो है इसके बाद देखेंगे मंकी ट्रेल, जो कि है वॉकिंग डिस्टेंस पे अवनांग बीच से केवल 10 से 15 मिनट की दूरी पर। तो दोस्तों, आप पैदल चलते हुए इस पहाड़ी से क्रॉस होते हुए पहुंचेंगे एक और शानदार और ब्यूटीफुल बीच पर, जिसका नाम है पाइपलोंग बीच। तो दोस्तों, ये बीच भी एक छोटा सा बीच है, या तो आप जो है बोट से यहाँ सीधे आ सकते हैं या फिर यहाँ मंकी ट्रेल से होते हुए। और यहाँ पर एक जो है रिजॉर्ट भी है दोस्तों, काफ़ी सुंदर रिजॉर्ट है, ये देखिए सामने, और इसका नाम है सेंतारा ग्रैंड रिजॉर्ट। तो काफ़ी सुंदर रिजॉर्ट है, आप यहाँ घूमने ज़रूर जाएँ। और इससे आगे यदि हम जो है चलेंगे दोस्तों, तो आप देखेंगे कि यहाँ कराबी में प्राकृतिक सुंदरता इतनी ज़्यादा है कि आप यहाँ जाकर जो है मंत्रमुग्ध हो जाएंगे और आपका पैसा फुल्ली वसूल होगा, ये गारंटी है मेरी। और इससे आगे आप जाएंगे तो आप जो है वॉकिंग डिस्टेंस पे ही नौपतारा बीच पे जाएंगे दोस्तों, ये भी बेहद खूबसूरत और काफ़ी पॉपुलर बीच है। और इसके भी सामने जो है काफ़ी होटल्स हैं, कैफे हैं, इंडियन रेस्टोरेंट्स भी हैं, तो ये बीच भी काफ़ी सुंदर है दोस्तों। अवनांग बीच के आसपास से आप जो है दूसरे बीच भी देख सकते हैं, क्रॉन्ग म्योंग बीच भी है, ये भी काफ़ी सुंदर बीच है दोस्तों, और आप जो है यहाँ पर भी अपनी छुट्टियों का आनंद उठा सकते हैं। तो इससे अगला जो है बीच है तुम के बीच, और ये भी काफ़ी सुंदर बीच है। यहाँ का जो सनसेट है वो काफ़ी सुंदर है दोस्तों, आप जब शाम को देखेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। तो इससे आगे है दोस्तों, बोट से आप जो है रेले बीच जा सकते हैं, यहाँ पर आप जो है पूरा दिन अपना जो है बिता सकते हैं। यहाँ बीच पर माउंटेन क्लाइंबिंग भी जो है की जाती है और काफ़ी सुंदर बीच है। यहाँ केव है देखने लायक दोस्तों, और जो है आपको बोट जो है अवनांग बीच से ही जो है आसानी से मिल जाएंगी। आप देखेंगे कि रेले बीच जो है वन ऑफ द मोस्ट फेमस बीच इन कराबी। तो इसके बाद जो है आप जो है आइलैंड होपिंग यानी कि आइलैंड्स पर घूम सकते हैं। यहाँ दोस्तों आप जो है फोर आइलैंड टूर पे जा सकते हैं, और आप जो है जो फिफी आइलैंड है उसके टूर पर भी आप जा सकते हैं कराबी से। तो यहाँ जो है मैं फोर आइलैंड टूर पे गया था, ये पोंडा आइलैंड है दोस्तों, और इसमें जो है चिकन आइलैंड और जो है कई सारे और आइलैंड जो है दिखाए जाते हैं, और जो है ये आपको लंच के साथ होता है और ये फुल डे टूर होता है। लगभग जो है आप शाम को 4 से 5 बजे इस टूर से वापस आएंगे। तो ये फोर आइलैंड टूर और जो है फिफी आइलैंड टूर भी अपने आप में एक एक्सपीरियंस होगा आपके लिए कि आप यहाँ कहाँ घूमें। तो दोस्तों, इसके अलावा आप कराबी टाउन घूम सकते हैं, जो ओल्ड टाउन है दोस्तों वो भी काफ़ी खूबसूरत है कराबी। वहाँ पर आप जो है मार्केट में जा सकते हैं, अपने दोस्तों के लिए, अपने परिवार के लिए आप यहाँ से गिफ्ट खरीद सकते हैं, और काफ़ी अच्छा है ओल्ड टाउन। तो दोस्तों, इसके बाद आप जा सकते हैं टाइगर के टेंपल पे, जो कि है बेहद खूबसूरत। और यहाँ जाने के लिए जो मूर्ति है दोस्तों, ये एक पहाड़ी पर है, और आपको इस पहाड़ी पर जाने के लिए कम से कम भी 2200 जो है स्टेप चढ़ना पड़ेगा। और आप जो है इसके अलावा जो है कराबी में रिवर क्रूज़ पर भी जा सकते हैं दोस्तों, तो ये भी एक जो है फुल पार्टी क्रूज़ होता है। और इसके बाद आप जाओगे खावनांग
नाम केव देखने। तो दोस्तों ये भी जो है काफ़ी सुंदर जो है गुफाएं हैं, और इनमें आपको देखेंगे कि जायंट जो आर्कियोलॉजिकल जो लोग हैं उन्होंने भी इसको जो है साबित किया है कि जायंट होते थे। तो दोस्तों इसके अलावा आप यहाँ पर एक शानदार मंदिर देख सकते हैं जिसका नाम है वात केव कोरावाराम। तो ये एक बहुत ही शानदार मंदिर है, और इस मंदिर के अलावा आप यहाँ पर नाइट मार्केट देख सकते हैं जो कि है ओल्ड टाउन में। आप यहाँ जो है शॉपिंग कर सकते हैं, खाने की जो है बहुत सी चीज़ें हैं जो कि आपको पसंद आएंगी, और ये मार्केट शाम को 5 बजे शुरू होती है तो अच्छा है। और इसके बाद आप जो है हॉट स्प्रिंग्स पर भी जा सकते हैं दोस्तों, यहाँ बहुत जो है टूरिस्ट आते हैं और जो है इंजॉय करते हैं। तो इससे थोड़ी सी दूरी पर है एमरल्ड पूल, तो ये भी एक काफ़ी अच्छी जगह है दोस्तों, आप यहाँ भी जो है आप अपना समय बिता सकते हैं और यहाँ जाकर आप जो है जो निराश नहीं होंगे। तो दोस्तों इसके अलावा आप जो है कोलांता जो है जा सकते हैं, ये भी एक शानदार जगह है और कराबी से काफ़ी नज़दीक है तो ज़्यादा दूर नहीं है। तो कोलांता जो है काफ़ी अच्छी जगह है, आपको ज़रूर जाना चाहिए। कोलांता के साथ साथ आप जो है लोट केव भी देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको जो है बोट से जाना पड़ेगा, आप यहाँ जो है काइकिंग कर सकते हैं, और जब आप इन जो गुफाएं हैं ये देखेंगे तो आप जो है काफ़ी प्रसन्न होंगे, काफ़ी अच्छी जगह है। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे थम्बोक कोरानी नेशनल पार्क, ये भी काफ़ी अच्छी जगह है दोस्तों, यहाँ आसपास जो है आप डेफिनेटली इंजॉय करेंगे। तो दोस्तों ये थे कराबी में घूमने लायक वो जगह जहाँ पर आपको जरूर जाना चाहिए यदि आप जो है कराबी जाते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको जो है ये वीडियो पसंद आएगा, और आगे डिटेल्ड वीडियो जो है आने वाले समय में आते रहेंगे, और उनमें हम बताएंगे दोस्तों आपके कि आप वहाँ जाते हैं तो आपका टोटल कितना खर्चा होगा और आपको कहाँ रुकना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में कराबी में अवनांग बीच पर। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, नमस्कार।